आप चलेंगे तो ये जो है आपको दोनों की मूर्ति और असीम प्रेम का भाव जो है इस मूर्ति के माध्यम से आपको देखने को मिलेगा। जैसा कि आप जानते हैं, श्री भरत जी का जो प्रेम और जो समर्पण त्याग प्रभु श्री राम के प्रति था वो अतुलनीय था। उसका वर्णन करना शब्दों में जो है असंभव है। ऐसा कहा जाता है, जब भगवान रामचंद्र और प्रभु के अनुज श्री भरत जी का संवाद चल रहा था, तो इस संवाद को सुन करके जो सामने आपको पर्वत देखने को मिल रहा है कामदागिरी पर्वत, वो भी पिघल गया था। ऐसी महिमा थी। ये देखिए, जब भगवान को वनवास हुआ था, भरत जी आए थे चित्रकूट मनाने के लिए जी। राम जी महाराज भरत जी को प्रेम को देखकर अपनापन भूल गए। चौपाई लिखे कि बरबस लिए उठाए और लाए कृपा निधान, और भरत राम के मिलन लख विसरे सभे पर। उस समय परमात्मा को भरत जी के प्रेम को देखकर अपनापन भूल जाता है, तो परमात्मा स्वयं जड़ हो जाते हैं और पत्थर चेतना हो जाता है। जय श्री राम मित्रों, मैं अंकित साहू अयोध्या से आप लोग का स्वागत करता हूं फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, मैं इस समय हूं चित्रकूट के कामदागिरी पर्वत पर, और यहां पर वो स्थान है जहां पर श्री भरत जी अपने भ्राता भगवान श्री राम से मिलने के लिए आए थे और उनसे निवेदन कर रहे थे कि पुनः अयोध्या को चले, अपना राज सिंहासन संभाले। लेकिन प्रभु श्री राम ने जो है उनको मना कर दिया था। तो जब भरत जी ने यहाँ से जो है भगवान रामचंद्र की चरण पादुका जो लेकर गए थे, वो स्थान यहीं पर है, और वर्तमान समय उसकी क्या स्थिति है और उसमें क्या क्या, मतलब कैसे कैसे मंदिर हैं, क्या क्या उसकी विशेषताएं हैं, सब कुछ हम आपको अंदर चल के दिखाते हैं। और ये पीछे जो मार्ग आप देख रहे हो, ये जो है कामदागिरी पर्वत का परिक्रमा करने का मार्ग है। मार्ग यहीं से परिक्रमा चलता है और लगभग 1.5 कोस जैसे आप आएंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा भरत मिलाप मंदिर, और इसी के अंदर जो है वो स्थान है जहाँ पर प्रभु श्री राम और भरत जी का मिलाप हुआ था। चलिए अंदर दिखाते हैं आपको। सादर भरत शीश धर लेहि तात, कहत भरत गुणशील सुभाउ, प्रेम पयोधि मगन रघुराउ, भरत मुदित अवलंब लहेते, अस सुख जस सिया राम रहेते, प्रभु करी कृपा पावरी दीही, साधर भरत शीश धर लीही, तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु। दोस्तों, ये मंदिर का प्रवेश द्वार है, और जैसे मंदिर के अंदर आप प्रवेश करेंगे तो आपको ये भरत मिलाप, श्री भरत मिलाप मंदिर का प्रांगण कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। और वर्तमान में इसकी जो स्थिति है वो आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिलता है। और इस साइड आप देखेंगे कामदागिरी पर्वत आपको देखने को मिल रहा है, और जस्ट इसके नीचे वो घटना हुई थी जिसका वर्णन अभी शुरू में मैंने आपको किया था। जी हाँ दोस्तों, और अंदर चल के आपको उनके पदचिन्ह भी दिखाएंगे जो वर्तमान समय में यहाँ पर स्थित है। आप लोग ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मंदिर के प्रांगण के बीचों बीच ये आपको नीम का पेड़ देखने को मिलेगा, और जस्ट इसके बगल आप देखेंगे कि कहते हैं कि प्रभु करी कृपा पांवरी दीनी, सादर भरत शीस धर लीनी। ये देखिए, कहत सप्रेम ना ही मही माथा, भरत प्रणाम करत रघुनाथा। ये वही स्थान है जहाँ पर प्रभु श्री राम ने, श्री प्रभु राम से भरत जी ने चरण पादुका को मांगा था। और अंदर जैसे आप चलेंगे तो ये जो है आपको दोनों की मूर्ति और असीम प्रेम का भाव जो है इस मूर्ति के माध्यम से आपको देखने को मिलेगा। जैसा कि आप जानते हैं, श्री भरत जी का जो प्रेम और जो समर्पण त्याग प्रभु श्री राम के प्रति था वो अतुलनीय था। उसका वर्णन करना शब्दों में जो है असंभव है। ऐसा कहा जाता है, जब भगवान रामचंद्र और प्रभु के अनुज श्री भरत जी का संवाद चल रहा था, तो इस संवाद को सुन करके जो सामने आपको पर्वत देखने को मिल रहा है कामदागिरी पर्वत, वो भी पिघल गया था। ऐसी महिमा थी दोनों के संवाद का। तो कुछ इस तरीके का दर्शन आज आपको हमारे वीडियो के माध्यम से देखने को मिल रहा है। चलिए आगे और चलते हैं और चीज़ें आपको दिखाते हैं जो बहुत ही ज़्यादा प्राचीन है। और इस मूर्ति के बगल आपको देखने को मिलेगा श्री तुलसीदास जी की मूर्ति। ऐसा कहा जाता है और ऐसा विदित है कि तुलसीदास ने ही जो है अवधी भाषा में श्री रामचरितमानस का
उद्गम किया था। तो सामने आपको महाराज तुलसीदास जी देखने को मिल रहे हैं और जस्ट इनके बगल ये दोहा लिखा गया है जो कि बहुत ही ज़्यादा मंत्रमुग्ध कर देने वाला है। कहते हैं कि चित्रकूट सब दिन बसत प्रभु से लखन समेत, और राम नाम जप जाप कही तुलसी अभिमत देत। पै आहार फल खाई जपू राम नाम सटमास, सकल सुमंगल सिद्धि सब कर तल तुलसीदास। तुलसीदास जी ने ही रामायण जो संस्कृत में लिखी गई थी उसको जो है अवधी भाषा में तुलसीदास जी ने लिखा था, जिसका आज उच्चारण लोगों के द्वारा किया जाता है। तो इनका भी दर्शन आप बगल में कर सकते हैं। यहाँ के जो विप्र है, जो यहाँ का सेवा करते हैं, देखभाल करते हैं, इनसे हम जानते हैं, जैसा कि हमने तो बता ही दिया है, अब इनके भी माध्यम से हम जानते हैं कि इस स्थान का क्या महिमा है, बताइए। जब मिलने के बाद जब राज भगवान से विनती करने लगे, भरत जी महाराज कि अब लौट चलो, कुछ मुझे सहारा दीजिए, तभी चरण पादुका दिया था कि यही मेरी चरण पादुका है, राजगद्दी में रख देना, वही राज करेंगे। वह वो करी कृपा पावरी देनी सादर भरत शिष्य। भरत जी महाराज चरण पादुका में लेकर ये धरी गए थे जी। ये देखिए, जब भगवान को वनवास हुआ था, भरत जी आए थे चित्रकूट मनाने के लिए जी। राम जी महाराज भरत जी को प्रेम को देखकर अपनापन भूल गए। चौपाई लिखे कि बरबस लिए उठाए और लाए कृपा निधान, और भरत राम के मिलन लख विसरे सबे पर। उस समय परमात्मा को भरत जी के प्रेम को देखकर अपनापन भूल जाता है, तो परमात्मा स्वयं जड़ हो जाते हैं और पत्थर चेतना हो जाता है।